तो ये होगा कि किसी स्थानीय कविता से शुरुआत हम कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय कविता जो होती है वो बच्चों की लोकल भाषा में अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर होती है, और कई बार वो होती भी है, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो बच्चों के लोकल भाषा में होते हैं, उनसे शुरू करते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो घर पे सुन रहा था, अपने मम्मी पापा से सुन रहा था, दोस्तों से जो बात कर रहा था, उसी तरीके की भाषा स्कूल में भी है। हाँ, ये जरूर है कि उनके बच्चों की स्थानीय भाषा या घर की भाषा को धीरे धीरे हम स्कूल की भाषा से जोड़ते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हम जितनी ज्यादा तवज्जो उनके घर की भाषा को देंगे उतने बेहतर तरीके से बच्चे जुड़ पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाते हैं, अलग अलग तरीके की राय रख पाते हैं, सवाल कर पाते हैं। तो सपोज करिए इस तरीके के पोस्टर्स हैं, तो पहले तो आप बच्चों को ये दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास जितने भी हैं चित्र चार्ट हैं या फिर इस तरीके के कविता या कहानी के पोस्टर्स हैं, तो इनकी आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये तो अभी आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, लेकिन आपके स्कूलों में जो गए होंगे वो रंगीन गए हैं सारे ना, और कविता में भी बहुत सारे छोटे छोटे चित्र दिए गए हैं, कुछ कविता दी गई है 4-5-6 लाइन की और उसका एक शीर्षक है, तो हम पहले ये दिखा के देख बता सकते हैं कि देख लीजिए किस तरीके का आपको ये दिख रहा है, ठीक है। चूंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कि पहली क्लास के दूसरी क्लास के बच्चे भी पढ़ना ना जानते हो, लेकिन अपर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप क्या करिए कि कविता को हाव भाव के साथ पढ़ाइए। कोई भी कविता होगी या कहानी होगी, इस पे मेरे बाकी के साथी भी प्रकाश डालेंगे बाद में, कि जब एक शिक्षक क्लासरूम में जाता है तो शिक्षक का काम होता है कि कविता में जो रस है, मान लीजिए अगर वो बच्चों के साथ हम कविता कर रहे हैं तो जिस तरीके का है उसी तरीके के आपके शारीरिक भाव भंगिमा भी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पे बैठ गए और कुर्सी पे बैठ के कविता पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चे रुचि लेना बंद कर देते हैं। तो आप आराम से आप इस तरीके के कविता पे जैसे आप ठीक ढंग से हाव भाव के साथ पूरी हाथों से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए पूरे शरीर के साथ आप बच्चों को गोल घेरे में बिठा के भी आप चीजों की शुरुआत कर सकते हैं, और उसके बाद ये करिए कि एक कविता आप पूरे हाव भाव के साथ सुर लय ताल के साथ कम से कम 2 से 3 बार बच्चों को दोहराने को कहिए। इससे क्या होता है, छोटी कविता होती है, आप जब 2 से 3 बार बच्चों को बोलते हैं और उनके साथ मिलके गाते हैं, तो सबसे पहली बात जैसे ही आप मिलके गाते हैं तो बच्चों की झिझक दूर होती है, और बच्चों की जब झिझक दूर होती है तो वो क्या है कि वो चीजों को याद करते हैं या उनके दिमाग में वो बैठ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे फिर वो अपने मन से ही बहुत सारी चीजें वो करने लगते हैं कविता में, है ना। आप देखेंगे कि क्लासरूम के बाहर या क्लास में ही बच्चे बैठ के गुनगुना रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करिए कि 1-2 बार पढ़ने के बाद बच्चा जो है खुद वो कविता को अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करे। इसका अगला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने ये पतंग पे 4 लाइन की कविता है और यहाँ पे अंतिम में है कि अरे कट गई लूटी पतंग। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो फिर हम बात करें कि मान लीजिए इस कविता को अगर आगे बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो बच्चे कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ अपनी लाइन बना सकते हैं, अपना राइमिंग के हिसाब से कुछ नए शब्द जोड़ सकते हैं, तो वो भी हम जोड़ देखते रहें। दूसरा यह है कि जब हम इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हों तो एक बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि शुरुआती दौर में बच्चों के उच्चारण पर, या अगर मान लीजिए कभी कुछ लिखने का काम कर रहे हैं तो बच्चों की वर्तनी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उच्चारण पर और वर्तनी पर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब और कई स्तर के काम हो जाएंगे तो हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे और बच्चों को ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। तो और एक और बात है कि कविता, देखिए कविता का जो मूल उद्देश्य है, आपने कलरों में भी देखा होगा जो निर्देश दिए गए हैं और समृद्ध में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपकी कविता वाचन का या क्लासरूम में जब भी आप कविता करा रहे हो तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को आनंद आए, बच्चे उस पूरी शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ पाए। तो आप कोशिश करें कि बहुत सारे कठिन सवाल शुरुआती दौर में ना पूछें, खास करके कविता जब पढ़ा रहे हो, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा जब हम बात करते हैं तो चित्र चार्ट की बात करते हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे, अगर आपने कलरों की किताब देखी होगी तो ये खास करके पहले की किताब है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। वैसे आपके पास 10 तरीके के चित्र चार्ट जो है पहले से 5वीं तक की क्लासरूम में पहुंचाए गए हैं, और इसी तरीके से वो चित्र चार्ट है। चित्र चार्ट पर अगर काम करना हो तो उसके लिए भी हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि समृद्ध में हमने विस्तार से लिखने की कोशिश की है, लेकिन अगर देखा जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं,
एक तो देखिए कि जो हमारे चित्र चार्ट हैं जो दिए गए हैं, जो आपको बच्चों को घेरे में बिठा के रखना है और उनके साथ काम करना है, तो कुछ और चित्र चार्ट पर काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये करें, मान लीजिए जैसे ये चित्र चार्ट है ना, इस तरीके से 10 आपके पास गए हैं और किताब में भी कई सारे हैं, तो चित्र चार्ट पे जब हम काम करें तो कोशिश ये करें कि बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए बिठाएं, क्योंकि अगर हम गोल घेरे में बिठाते हैं और बीच में चित्र रख देते हैं तो कुछ बच्चों को तो वो चित्र सीधा दिखता है लेकिन कुछ बच्चों को चित्र उल्टा दिखता है, तो फिर वो समझने में हो सकते हैं कि कुछ दिक्कतें आए, डेफिनेटली आएंगी जब उस तरीके से उल्टा दिखेगा। तो अर्धचंद्राकार सिचुएशन में बिठाने से क्या होता है कि सारे बच्चे वो चित्र को एक जैसा देख पाते हैं, और कोशिश करें कि सारे बच्चे जो है वो चित्र को छू पाए, चित्र को देख पाए और चित्र को महसूस कर पाए, पहला तो ये होता है। दूसरा ये है कि जब हम चित्र की शुरुआत करते हैं तो आप देखते होंगे कि बच्चे जब अपने घर से आते हैं और घर से आते 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 जब वो स्कूल तक आते हैं तो बहुत सारी चीजें वो देखते हैं जिनका इमेज उनके दिमाग में बनता है, और उस जो इमेज बनता है, जो चित्र बनता है उनके दिमाग में, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें सोचते विचारते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी चित्र चार्ट आपको मिले हैं या किताबों में जो चित्र दिए गए हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे चित्र इसलिए भी दिए गए हैं कि जब बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए चित्र होते हैं तो उन पर बच्चों के साथ चर्चा करना ज्यादा आसान होता है। आप चित्र पर एक कम से कम 2 दिन एक चित्र पर काम कर सकते हैं बड़े आराम से, और 2 दिन काम करने के लिए पहले क्या करना होता है कि बच्चों को अर्धचंद्राकार घेरे में बिठाते हैं, एक बार बोलते हैं कि आप चित्रों को देखें, फिर हम चित्रों के बारे में कुछ सामान्य सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो चित्र दिया गया है इसमें पहला जो है इस तरीके का है कि कुछ बाघ का चित्र है जिसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो हम ये सवाल कर सकते हैं पहला जो केवल कि कौन सी चीजें इसमें आपको दिख रही हैं। ये ऐसा सवाल है जिसके लिए इसमें अगर परिवेश में बच्चे ने बहुत सारी चीजों को देखा है तो बड़ी आसानी से वो पहचान सकता है कि इसमें कहीं कुम्हार दिख रहा है, कुछ पेड़ दिख रहे हैं, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ दौड़ते हुए लोग दिख रहे हैं, और कुछ इस तरीके के जानवर हैं, कुछ खेत दिख रहे हैं, चारपाई दिख रही है, इस तरीके की बातें बच्चे आसानी से बता पाते हैं। दूसरा होता है कि मान लीजिए आपने सामान्य चीजों को देख लिया और उन पर चर्चा कर ली, तो एक बार वो पूरे चित्र को सरसरी तौर पर जब देख लेते हैं तो दूसरी बार आप ये करिए कि आप चित्र को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करिए। दूसरा स्टेप ये होता है, पहले चित्र की सामान्य समझ पे काम कर लें, तो ऐसे अलग अलग चित्रों पर आपके सवाल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहली बार में सवाल ऐसे ही करें जिनका वो वस्तुनिष्ठ उत्तर दे पाए, मतलब जिनके बारे में वो केवल देख के और सीधे सीधे बता सके, इस तरीके के आपको सवाल बनाने पड़ेंगे, सवाल सोचने पड़ेंगे। दूसरा, जब हम बच्चों के अनुभवों से जोड़ के देखने की बात करते हैं तो हम ये बात कर सकते हैं कि चारपाई आपने इसमें अगर कहाँ देखी है, झूला आपने कब देखा है, झूला कहाँ देखा है, किस समय झूला झूले पे लोग झूलते हैं, इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल खास करके ऐसे होते हैं जो बच्चा परिवेश में तो पहले देख चुका है या उसके जीवन में उस तरीके की चीजें हो चुकी हैं या उनसे वो गुजर चुका है, इस तरीके की प्रोसेसेस पे आधारित आपको सवाल करने चाहिए। तीसरा स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, और यही देखेंगे कि उच्च जो भाषा के उच्च स्तरीय कौशल हैं जिनके विकास पर ये काम करने की हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें हम तर्क करने की बात करते हैं, प्रश्न करने की बात करते हैं, विश्लेषण करने की बात करते हैं, या किसी चित्र विशेष पर अपनी राय एक दो शब्दों में रखने की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और इस तरीके से दिया गया है, तो इस पे आप कुछ इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं जहाँ पे बच्चों को सोचने की जरूरत पड़े। जैसे इसमें कुत्ता दिख रहा है, कुत्ते के मुंह में रोटी है, तो ये रोटी कहाँ से लेके आ रहा होगा और ये क्यों कहाँ लेके जा रहा है, रोटी का क्या करेगा ये, तो फिर वो उस तरीके से सोचेंगे कि भाई ये कहाँ रोटी कहाँ मिल सकती है और वहां से ला रहा है तो रोटी ला क्यों रहा है, इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। जैसे ये पानी दे रहा है तो हमें पूछ सकते हैं कि ये जो हजारा से पानी डाल रहा है पौधों में माली, वो पानी आखिर डाल क्यों रहा है, उससे पौधों को क्या फायदा होगा, तो कुछ इस तरीके के सवाल कर सकते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा सोचने का अवसर मिले और सोचने के साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी चीजें करें जिसमें उनका जो विश्लेषण शक्ति है या जो तुलना करने की है या प्रश्न करने की है, उस तरीके की चीजों को वो अपने हिसाब से वो बता पाए। अब इसके बाद मान लीजिए अगर हम कुछ और चीजों पर बात करते हैं, जैसे खास करके जब हम ध्वनि चेतना की बात करते हैं कि ध्वनि चेतना पर काम करना है या प्रिंट चेतना पर काम करना है,
उस शुरुआती दौर में सबसे पहला काम जो करना चाहिए वातावरण सहज करने के साथ साथ में, कि बच्चों को सबसे पहले तो मान लीजिए ये किताब है, तो शुरू के कुछ दिन तो आप बच्चों को किताब ऐसे दे दीजिए और किताब दे के आप बोलिए कि ठीक है ये बताओ ये क्या है, तो आप पहले ही बता दीजिए कि इस तरीके की एक किताब है, किताब में कुछ पाठ होते हैं, पाठ में कुछ चैप्टर मतलब अलग अलग कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, कुछ चित्र होते हैं, और ये दाएं से बाएं पढ़ा जाता है, हम जो बोलते हैं उसको भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके की बातों से बच्चों का जो है किताब से एक तरीके से जान पहचान हो जाता है। जब हम डिकोडिंग करते हैं या जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे ये तो हो गया कि मौखिक भाषा विकास से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो गई हैं, अगर हम पढ़ने की बात करते हैं तो डिकोडिंग में आप देखेंगे कि जो सबसे पहला काम है वो होता है कि ध्वनि चेतना पर हम काम कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि बच्चे अलग अलग शब्दों की या जो वर्णों की ध्वनियां हैं उसको पहचान पाए। इसके लिए आप देखेंगे कि समृद्ध जो है, समृद्ध में आपका पेज नंबर 32 से लेके आगे 35 तक जो है इसमें तमाम एक्टिविटीज दी गई हैं ध्वनि चेतना को पहचानने की, जिसमें ये बात करते हैं कि आप कैसे परिवेशीय ध्वनियों को बच्चों को सुनाएं, जैसे कोयल की आवाज है, बिल्ली की आवाज है, कुत्ते की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, बच्चा सुने और उसकी नकल करे। तो एक तो क्या होता है कि अलग अलग ध्वनियों को शुरुआती दौर में बच्चा सुनता है, उनको अपने दिमाग में रखता है और उसको समझने की कोशिश करता है। फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई शब्द बोले और शब्द की पहली ध्वनि से पहचान कराएं, जैसे मान लीजिए आपने बोला राम, तो राम आप ऐसा बोलें कि रा और म अलग अलग दिखे, फिर र की ध्वनि कैसी होगी, उसका सिंबल कैसा होगा, फिर हम ध्वनि और उसके प्रतीक से हम उसका पहचान करवा पाते हैं और इस तरीके से हम प्रोसेसेस को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज जो आजकल बहुत जरूरी हो गई, उसमें हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम इस तरीके की बात करें तो कुछ बच्चों के, जैसे मैंने बोला कि भावनात्मक विकास पर कुछ काम करें, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं वो करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा और आगे विकास भाई बात करेंगे। तो एक एक्टिविटी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें सामग्री भी बहुत कम लगेगी, जैसे एक चार्ट हो सकता है, कुछ वाटर पेंट हो सकते हैं या स्केच का हो सकता है, और उसके बाद आप क्या करिए, एक चार्ट पे पेड़ बना दीजिए और पेड़ बनाने के बाद उसकी पत्तियां मतलब केवल तना बनाइए, तना बनाने के बाद आप बच्चों से बातचीत करिए। क्या होता है कि जब स्कूल में हमने देखा कि बहुत सारे नियम हम बना देते हैं कि इस टाइम पर लंच टाइम में आपको बाहर जाना है, इस टाइम वॉशरूम जाना है, चप्पल बाहर निकालने हैं, ये अघोषित नियम जैसे होते हैं, और जिसमें क्या होता है कि शिक्षक अपने आप बना देता है और बच्चे जो है उसको फॉलो करते हैं। कोशिश करें जब हम ये नियम बना रहे हो तो उसमें बच्चों को शामिल करें, पहला काम ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब बच्चे उस नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो वो समझते हैं कि मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं इसको ओन करता हूं, और फिर वो एक तो नियमों को मानते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि उनके भी राय को अहमियत दी जा रही है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि बच्चों से आप वादा करा सकते हैं कि हम जब भी एक बच्चा बोलेगा तो सारे लोग सुन रहे होंगे, क्लासरूम को हम साफ रखेंगे, खाने के समय में हम कतार लगा के जाएंगे, और इस तरीके से हम बात करते हुए, और फिर उसमें हम ये कर सकते हैं कि उनके हाथ पे रंग लगा के और फिर हम पेड़ की पत्तियां बनवा सकते हैं और उसको क्लासरूम में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो एक देख पाएंगे कि हमने जो तमाम वायदे किए थे उसका एक इस तरीके से बना हुआ, और उसको वो उस पर कारगर तरीके से वो विचार कर पाएंगे। तो अभी हमारा समय, चूंकि हमने एक नियत समय रखा था 10-15 मिनट रखनी थी, तो मैं अब अपनी विकास को बड़ी भाषा में कुछ जो भी बताना चाहते हैं बात करेंगे और उसके बाद आगे निवेश की बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। सभी साथियों का नमस्कार, सभी का अभिवादन। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, और जो समग्र कार्यक्रम में संख्या ज्ञान में हमें बात करनी, गतिविधि करनी है, उसके प्रोसेस पर थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ। तो जब भी हम कोई गतिविधि या क्लासरूम बच्चों के साथ कार्य शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में कोई उन्हें सहज करने की एक्टिविटी करेंगे। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप लंबी लंबी 3 बार सांस ले लें, तो अभी ले लेते हैं, सांस तो हम ले सकते हैं। तो 3 बार सांस लेने से थोड़ा एनर्जी आई होगी, ऑक्सीजन इनटेक हमारी बॉडी के अंदर गया है। तो आपकी गतिविधि आपकी परिस्थिति के अनुसार कक्षा में होनी है ना। यहाँ मुझे जो उचित लगा तो निर्णय में करना होता है कि कौन सी गतिविधि कराएं। तो पहली गतिविधि केवल अपने
जो एक सेशन चल रहा था अपने तक लाने के लिए मैंने ब्रेक के लिए यूज किया, कनेक्ट करने के लिए। तो ये गतिविधि मेरे आगे गतिविधि जुड़ भी सकती है, नहीं भी जुड़ सकती है। तो ये पहली जितनी सहज करनी गतिविधि है, उससे अगली प्रक्रिया में क्या होगा, तो हम कुछ इन्वोक करेंगे। इन्वोक मतलब हम जानना चाहेंगे कि जो पूर्व ज्ञान है, जैसे मैं संख्या ज्ञान में बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा जो बच्चे संख्या ज्ञान में अब तक कुछ काम जो हुआ है कि उसमें कहां तक पहुंचे हैं। तो हम कुछ बच्चों को नंबर दे सकते हैं और उन नंबर देके बच्चों को ठोस चीजों को लगाना है। तो हमारी मैथ किट में पासा भी दिया हुआ है, पर पासा हमारे पास अगर नहीं होता है अवेलेबल तुरंत क्लास में, एक तो पूर्व तैयारी करके आए तो हो गई, तो हम एक सपाट पासा इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने सपाट पासा बीच में लिख दिया है, पास उसके चारों तरफ कुछ नंबर रैंडम से लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो नंबर लिखा है उतनी मात्रा के बिंदु भी लगा दिए हैं। इस पासे को आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप 6 से ज्यादा गिनती बनाना चाहते हो, कोई भी गिने जा सकने वाला बीज या कंकड़ हम फेंकेंगे, जिस भी बॉक्स में वो कंकड़ बॉक्स आएगा उसको सपोज हमने पासा फेंका, वो आया 5 वाले खाने में, तो 5 पत्थर या 5 कंकड़ या 5 कोई भी गिने जा सकने वाली वस्तुएं बच्चों को लगानी है। तो अभी मैं जांच रहा हूँ कि बच्चों को कहाँ तक संख्या ज्ञान आ रहा है, क्योंकि शुरुआत हमने की अलग अलग ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़ पत्थर मोती से गिन रहे हैं, पर जो आज मैं गतिविधि से कर रहा हूँ इससे अगला चरण है वो, है ना, जब बच्चे इस तरह के ठोस से गिन पाए। तो पहले हमने एक सहज एक्टिविटी करी, उसके बाद हमने कुछ पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए एक्टिविटी कर ली। अब यहाँ से मुझे पता चल चुका है किस बच्चे या किस ग्रुप के साथ मुझे कहाँ काम करना है, कैसे जुड़ना है, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तीसरा स्टेप है, अब मैं गतिविधि करके दिखाऊंगा कि तो आज बच्चों को करना है। उसके लिए सिंपल सी मैंने कुछ स्ट्रिप आपके साथ में रख रहा दिखा दिख रही होंगी आपको। तो ये 2 का जैसे आपको दिख रहा है, इसी प्रकार ये 3 है, ये 4 है। तो जब हमने इसको आप सिंपल जो ब्लॉक मैथ किट में दिए गए उनसे भी करा सकते हैं, कोई डंडी स्ट्रो तो मैंने पेपर से बनाया कैसे बना सकते हैं, क्योंकि तो शिक्षक होने में नवाचार करना है। तो आपको अपने आसपास के जो परिवेश की वस्तुएं हैं उनको प्रयोग करते हुए कोई TLM बनाना है। तो ये TLM में क्या है, गिनती एक साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले जो मैं अभी गतिविधि जांच रहा था, कंकड़ों को अलग अलग 1 2 3 हो रहे थे, यहाँ जो भी हम गिनती हो रही है 1 2 3 4 एक साथ है, तो ये उससे अगले स्तर का TLM है। तो हम ये चयन का ध्यान रखेंगे किस क्रम में कौन सा TLM लेना है, उसके बाद हम प्रतिभूति पढ़ रहे होंगे। तो इस गतिविधि में जब बच्चे देख रहे होंगे तो बच्चों को क्रम में लगाना, उनकी मात्रा के साथ जोड़ना, क्योंकि संख्या ज्ञान में जो त्रिकोण है उसको मैं समर्थ कार्यक्रम का आपको याद दिला देता हूं। सबसे बड़ा नंबर मात्रा की समझ, दूसरा नाम जो हम बोलते हैं, तीसरा प्रतीक। तो प्रतीक पे हम बाद में बढ़ेंगे, जब मात्रा की समझ और नाम पे काम हो रहा है तो बच्चे आसानी से देख पा रहे हैं जो 4 है वो 3 से बड़ा है। इसी तरह 1 2 3 का क्रम में लगा सकते हैं। जब ये हम पहले करके दिखाएंगे, फिर हम कुछ नंबर्स बच्चों को बोलेंगे, उन्हें बच्चों को क्रम में लगाना है। यानी पहले जैसे विपिन भाई बोल रहे थे टीचर करके दिखा रहा है, फिर धीरे धीरे टीचर अपनी भूमिका कम करता चला जाएगा, बच्चों की भूमिका बढ़ती चली जाएगी। यानी आई डू, फिर हम मिलके करेंगे, फिर यू डू, फिर बच्चों को मौका छोड़ देंगे। इसमें रोचक बात ये होगी कि हम जब सवाल आप बच्चों से पूछेंगे कि अलग अलग तरह के, जैसे एग्जाम्पल जब मैं बच्चों को 8 की पट्टी दे रहा हूं, तो 8 किन किन पट्टियों से मिलकर बन सकता है, अब हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के अवसर दे रहे हैं, उन्हें कुछ खोजने के मौके दे रहे हैं। बच्चे अपने गणित का निर्माण कर रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, तो वो बता पाएंगे कि 5 और 3 की पट्टी से भी 8 बन रहा है। कोई दूसरा बच्चा बोल पाएगा 6 और 2 की से भी 8 बन रहा है, कोई दूसरा बता सकता है 7 और 1 से भी 8 बन रहा है, तो सब बच्चे ठीक है, है ना। तो आप यानी हमारे अच्छे सवाल जिसमें अधिकतर बच्चों एंगेज हो सके, एक्सप्लोर कर सके, अपना गणित अपना नियम बना रहे कि ऐसे बन रहा है, तो ऐसे अवसर बच्चों को देने हैं। और हम संवाद का अवसर टीचर के लिए मिल रहा है, हम बच्चों से बात कर सकते हैं कि ये अलग अलग तरीकों से कोई संख्या बन रही है। यानी जब हम संख्या ज्ञान करा रहे हैं तो बच्चे उनको क्रम में लगा रहे हैं, बच्चे अंदाजा लगा पा रहे हैं कि 8 में कौन कौन सी मैं ट्राई करूं पट्टियों को लेकर, क्या 5 और 4 से 8 बन जाएगा, क्या 2 और 5 से बन जाएगा। तो पहले वो मन में सोच रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, उठाकर उसको लगा के देख रहे हैं पट्टियों के ऊपर, फिर जो उन्होंने अंदाजा लगाया उसको जांच रहे हैं, हाँ मेरा अंदाजा ठीक है या नहीं ठीक है। तो ऐसा करते हुए बच्चे क्रम में लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, संख्या का खेल रहे हैं, उन्हें आगे पीछे करके देख रहे हैं। जब ये सब कौशल कर पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बच्चे संख्या ज्ञान कर रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए जब इतना हो जाएगा तो जोड़ की एक्टिविटी भी उसे करा रहे होंगे, जैसे ये 3 और ये मैंने 4, 3 और 4 मिले कितना हो जाएगा, तो बच्चे 3 और 4 मिलकर जितना भी होगा उसकी पट्टी उसके आगे रख देंगे,
शुरुआत में बच्चे इन चीजों कर रहे हैं, जब बच्चे इनके साथ ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो इनके नीचे हम इनके प्रतीकों को दिखाएंगे, जैसे मैं छोटे छोटे प्रतीक भी बना रखे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले बच्चे पट्टियों से दिखाया। विकास जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद इस एक्टिविटी के बाद प्लीज और लास्ट एक्टिविटी कर दीजिएगा इसको प्लीज। बिल्कुल मनीष जी, तीन और चार मिलकर सात हो गए और उसके बाद हम इनके नीचे प्रतीक डाल देंगे, तीन से फिंगर प्रतीक, चार के तार का प्रतीक और सात के सात का प्रतीक। तो मेरे आज का जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है, शुरुआत में हमने सहज एक्टिविटी से की, फिर हमने बच्चों की पूर्व ज्ञान को जांचा, तीसरे नंबर पे हमने एक एक्टिविटी करके दिखानी है अपने परिवेश के टीएलएम से और उनके अनुभव को जोड़ते हुए, उसके बाद बच्चों को अवसर देने हैं, यानी धीरे धीरे टीचर रोल कम करना है, आखिरी में जब हम बच्चे कर लेंगे तो बच्चों को कुछ हम पर्चा दे देंगे ग्रुप बना के, और पर्ची देने के बाद उस पर्ची में एक सवाल लिखे होंगे, उन सवालों के आधार पर बच्चे इन जो टीएलएम हम यूज करने सामग्री उस सामग्री से करके देख रहे होंगे, और इस दौरान हम सतत आकलन भी कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया का फ्लो है हमारा, इस फ्लो को ध्यान रखना है हमें, और इस तरह से हमें जो बच्चों के साथ संख्या ज्ञान पर काम करना है। मैं आखिरी में अपनी बात खत्म करके रिपीट कर रहा हूँ, मात्रा की समझ, नाम और प्रतीक, त्रिकोण को पूरा करते हुए हम बना रहे होंगे करेंगे। मैं दो मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम मनीष जैन है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये है साबरमती, मैं पेन अपना ठीक कर लेता हूँ, ये है साबरमती, यहाँ पर हमारी लैब है और ये हमारी पार्टी चल रही है, और हमारी पार्टी कुछ इस तरह से चलती है, और जहां पर हमारी पार्टी चलती है ये हमारी लैब है जहां पर हम लोग काम करते हैं, और उसका उद्देश्य सिर्फ ये वाला है, उद्देश्य ये है कि बच्चों की आंखों में चमक वापस आ जाए, और बच्चों की आंखों में तो आए आए साथ में बड़ों की आंखों में भी इस तरह की कुछ चमक वापस आ जाए जो आपको स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रही है। ये काम, ये खिलौने जब बनाते हैं और बच्चों के साथ करते हैं तो कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और गिनती संसाधनों की कमी साथ आएंगे, खिलौनों आंखों की चमकों से दूर नहीं कर सकते, वो अतुलनीय है, दो स्ट्रोक कहीं ना कहीं उद्देश्य भी है। सो कमिंग बैक, आई होप यू सॉ दैट पिक्चर, वो हमने पालमपुर में पिछले तीन साल पहले, छोटे बच्चे थे, आई थिंक पहली क्लास के बच्चे थे, उनके साथ हमारी साथी सरिता काम कर रही थी, तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर भेजा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, और यही कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरा यही है, यही मैं आपके साथ आज आपको दिखाने की 15 मिनट में 20 मिनट में दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह से खेल खेल में, और खेल खेल में विज्ञान ये तो है ही, लेकिन किस तरह से बहुत जरूरी है इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग, जो भी चीजें हो वो ऐसी हो बच्चे तुरंत भाप जाएंगे कि ये तो आज हमें पढ़ाने के लिए, गच्चा देने के लिए ये चीज करा रहे हैं, नहीं, हम तो आपके साथ आज खेलने के लिए आए हैं, और वो बच्चों के साथ साथ, मैं अपने लिए भी बता रहा था, हम यहाँ पर जैसे IIT गांधीनगर में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप जैसे भी जो लोग भी सुन रहे हैं वो भी टीचर हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो चीजें कराएं वो इतनी लुभावनी हो कि आपको अच्छी लगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे जो लगता है वो शिक्षकों को इन कामों में रुचि आनी पड़ेगी, और ऐसी चीजें हम दे, कल्पना करिए आप खिचड़ी खिचड़ी खा रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा, और उसी खिचड़ी के साथ साथ में सोच लीजिए कुछ चटनी पापड़ मसाला ढोकला डाल जलेबी डाल दी तो खाने में मजा आ जाएगा। और मैं इसलिए भी सुना रहा था कि बच्चे तो हमारी ये खिचड़ी, हम अक्सर अपने स्कूलों में खिचड़ियां क्लासों में खिचड़ियां खिलाते हैं, और कल्पना करिए इन खिचड़ी के साथ अगर साथ में ये मजेदार चीजें डाल दी तो बच्चों को तो खैर मजा आएगी, बच्चों को तो नेचुरली आता है, हम जैसे लोगों को जो हम बूढ़े हो जाते हैं 35-35 सालों तक 40-40 साल तक खिचड़ी खिलाते रहते हैं, हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, अगले दिन का इंतजार रहेगा, और उसको दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूं और फिर आपको एक प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा। चलिए किस तरह की चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसकी आपको एक झलक दिखाता हूं, और अगर समय मिला तो आगे कभी समय मिला, और विजय जी और ये शुभम जो है इन लोगों ने और समय दिया, तो आपके साथ लंबी श्रृंखला लेकर ये काम कर सकते हैं, हर महीने आधे घंटे एक घंटे या जब भी जैसे भी समय मिला तो आपके साथ, हमारे पास सैकड़ों, हमने अपनी इस IIT गांधीनगर की लैब में सैकड़ों, लिटरली सैकड़ों मतलब हजारों, 500 से हजार ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बनाई हैं कि आपकी आंखों में चमक वापस आ जाए, और अगर आप गणित और विज्ञान के घायल हैं और आपको लगता है रात को रटी सुबह सफा तो वापस से इस विषय से प्रेम हो जाएगा, इस तरह की चीजें बनाई हैं, खिचड़ी परोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना खिलाने में रुचि आएगी। चलिए ये स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, मेरे पास एक साधारण सा एक वर्ग है, इसके ऊपर मैंने एक एरो बना दिया, अगर कुछ लोगों ने, ठीक है, इस एरो, ये एरो ऊपर की तरफ है और इसको मैंने दोनों कोनों से पकड़ लिया, पीछे से धक्का मारा, पीछे वाला भाग ऊपर आ गया, इसको फिर से मैंने एक एरो बना दिया और ऊपर की तरफ कर दिया। अब देखिए मजेदार चीज होती है, धक्का मारता रहता हूं तो ये ऊपर ऊपर दिखता रहता है, बहुत बढ़िया। अब बच्चे से कहिए कि भाई इसको इस हाथ से पकड़ा है तो दूसरे हाथ से पकड़ लो, इस हाथ से पकड़ लिया और देखिए क्या मजेदार चीज होती है, अब ये ऊपर नीचे हो गया, इस हाथ में ऊपर ऊपर है, इस हाथ में
ऊपर नीचे है और एक और जादू आने वाला है, इस हाथ में वापस से पकड़ा तो अब देखिए क्या हो गया, अब ये नीचे नीचे हो गया और कोई हाथ की सफाई नहीं है, कोई जादू नहीं है। दिस इज अ एब्सोल्युटली अमेजिंग साधारण सा चौकोन है और आपको लगेगा बात ही, अगर आप आगे बच्चों को खेलने में मजा आए, घर में जादू दिखाने में मजा आए, तो बाद में ये सवाल पूछ सकते हैं कि जिस एक्सिस पर जिस चीज के अराउंड हम इसको घुमा रहे थे और ये एरो वो अलग अलग है, तो क्यों ना सीधे की जगह अब हम तिरछा बना दें। अभी तो हमने सीधा बनाया था, अब हम एरो तिरछा बना देते हैं। अब बताइए क्या होगा, ये एरो तिरछा है, इसको पीछे घुमाया फिर से तिरछा है, फिर बना दिया, अब कुछ और होना चाहिए। देखिए अब क्या है, ये तिरछा एरो है, ये दोनों है, अब इसको फिर दूसरे हाथ में पकड़ लें तो देखिए क्या होता है, फिर से वही प्रक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है वो देखने की बात है, और ये इस हाथ में वैसा है, इस हाथ में वैसा, और फिर इस हाथ में आते वापस से नीचे नीचे होने लग गया। सुंदर चीज है। और अगली चीज आप ये भी कर सकते हैं, आपने तो कोने में पकड़ के पढ़ाई थी, अब की बीच में पकड़ के कर सकते हैं, फिर देखिए क्या होता है, और फिर इधर से पकड़ के कर सकते हैं तो क्या होता है। सुंदर चीजें हैं, देखने में बड़ा मजा आता है, करने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ दिस इज द गेम दैट वी स्टार्ट विद इन अवर क्लास, देन व्हाटएवर हैपेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इस तरह की गतिविधियां जब हम अपने बच्चों के साथ करेंगे और अपनी क्लासों में करेंगे तो हमें खुद रुचि आएगी और बच्चों की रुचि तो अलग ही है। चलिए मैं आपको और दो तीन खेल और दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन दिस प्रोग्राम एवरी वीक। हर हफ्ते हम ये रविवार को एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है 30-30 स्टेम। आशा है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिए। हर रविवार 4-5 बजे YouTube पर आता है, IIT गांधीनगर के CCL के वेब पेज पर जाएंगे तो वो चैनल लाइव होगा। 1 करोड़ लोगों ने ये प्रोग्राम देखा है, और करते सिर्फ यही है, किस तरह से विज्ञान और गणित में जो हमारी जिंदगी के आसपास चीजें हैं उसमें घुसा हुआ जो गणित और विज्ञान है उसको उभार कर देखें, उसके साथ हम कल्पना करें, उसके साथ खेलें, उसके अंदर रुचिकर चीजें निकाल कर जब अपनी क्लासों में लाएंगे और हाथों से काम करेंगे तब विषय में रुचि आएगी और मजा आएगा। और यही चीजें हम अपने जो भी शिक्षक हैं और बच्चे हैं उनके साथ हर रविवार को देखते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वहां पर जाकर जरूर देख सकते हैं। अगले हफ्ते कागज के ऊपर चर्चा होने वाली है, कागज की करामात, करामाती कागज, उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं ये वाला अपना हटा देता हूँ, इसमें अब दिखाने की कोई ज्यादा चीज बची नहीं है। लेट मी जस्ट मूव दिस अ लिटिल बिट ऑन द साइड। हाँ जी, ये बहुत सुंदर। चलिए ये चीज देखिए। अब मैं सोच रहा था कि छोटे बच्चों के साथ खेल खेलना है तो ये वाला एक बहुत ही सुंदर खेल है, राजमे चने का खेल। और इनफैक्ट राजमे चने की जगह हमने सोचा कि दोनों, और आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ चना लेना है। चने कौन से चने, एक टूटे हुए साबुत चने और चने की दाल वाले चने। सभी बच्चे अगर लेकर आ जाएंगे अपनी क्लास में चने, और बड़ा ही रोचक खेल हो जाता है ये। और मैं आपको ओवरहेड में ले जाकर इसको दिखाने की कुछ कोशिश करूंगा 2 मिनट में। चलिए आई होप अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास यहाँ पर एक ढेरी में कुछ राजमा है, कुछ चना है, गिन भी सकते हैं कितने, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। चलिए पहले गिन के रख लेते हैं, 10-10 रख लेते हैं, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, ये 10 गिन के राजमा रख लिए, ये चने हमने रख लिया यहाँ पर चना, ये साबुत चना है और यही चने की दाल है, 4 और 4 8 और 2 10, दोनों तरफ 10-10 रख लिए और मैंने गिने नहीं थे। और अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा और पीछे कर दे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 ढेरियां बना दी, इस ढेरी में से कुछ बच्चों से पूछ सकते हैं, कुछ चने उठाकर ये वाले इधर ले जाएंगे, तो चलिए 2 उठा के ले जाते हैं, 2 ले गए, और इधर से आंख बंद करके जो मर्जी चाहे उठा के वापस यहां ला सकते हैं, आंख बंद करके कुछ भी ले आए तो। और अब वापस से आप गिन लीजिए यहां पर कितने चने हैं, साबुत वाला मतलब इंप्योरिटी कितनी है, पीले में काला कितना है और काले में पीला कितना है, दोनों बराबर है, और आगे कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर शर्त सिर्फ यही है, जितनी चीज यहाँ से ले जाएंगे उतनी चीज वापस यहाँ से यहाँ लाएंगे। अब मान लीजिए हमने 3 वापस से, ये कितनी चीजें हैं, 4 चीजें इधर ले गए, मिक्स कर दिया और 4 ही वापस ले आएंगे, 1 2 3 और 4। चलिए 4 ले आए, अब फिर से देखते हैं, 2 ही यहां पर है और 2 ही यहां पर है, और अब ऐसा कर सकते हैं कुछ भी मिला दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता, इधर कम लग रहा है, इधर ज्यादा है, ऑफकोर्स गिनती ज्यादा है, तो अब भी यही प्रक्रिया वापस से चालू कर सकते हैं, फिर से यही प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, यहां से वापस से कुछ चीजें उठाई, 1 2 3 4 यहां डाल दिया, और फिर यहां से 4 ही चीजें हमें उठानी है, 1 2 3 4
आप फिर से गिन सकते हैं कितनी है, 1, 2, 3 काली और इधर भी 3 पीली, बहुत सुंदर। तो ये प्रक्रिया आप कितनी भी बार दोहरा सकते हैं, खेल बड़ा रुचिकर है, कितनी भी बार आप प्रक्रिया दोहरा लीजिए, इम्प्योरिटी पीले में काला और काले में पीला हमेशा बराबर रहेगा, डजंट मैटर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, एंड वी विल हैव टू हैव प्ले दिस मल्टीपल टाइम, बहुत बार खेलना पड़ेगा। और बच्चों का ये कंक्लूजन अपने आप आए ना आए, इट इज नॉट मटीरियल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम 3 बार खेलिए, खेल की तरह खेलते रहेंगे, गिनती भी आएगी, और इसके पीछे जो सिद्धांत है जो कि कंजर्वेशन वाला सिद्धांत है वो बाद में अपन कर सकते हैं। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो मैं आपको चीजों के बारे में बता रहा था, ये हजारों चीजें जो हमने यहाँ पर कह लीजिए इन्वेंट करी हैं या कलेक्ट करी हैं या बनाई हैं, ऑल ऑफ दैट, इन सब के ऊपर एक सुंदर मैनुअल भी लिखे हुए हैं, इस सुंदर किस तरह से ये चीजें कक्षाओं में करनी है, ये सब भी चीजें रखी हैं, और इन्हीं चीजों के साथ लेकर हम टीचर्स के साथ कार्यशालाएं भी करते हैं। तो मैं आपको जो प्रोग्राम बता रहा था वो ये इस तरह के प्रोग्राम हम अपनी यहाँ पर ये जो 30-30 प्रोग्राम है, ये दिस इज द 30-30 प्रोग्राम जो हर संडे को आता है, और इसमें अभी हमने, ये तो पुराना हो गया, अभी हमने करीब 20 सेशन कर लिए हैं, 20 घंटे के प्रोग्राम हो चुके हैं, 4,00,000 शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन है, देश भर के सभी शिक्षकों, सभी प्रदेशों से शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन है, 1,00,00,000 लोगों ने देखा है, और कितने मिनट्स देखा है, होमवर्क सबमिशन है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध रुचि ये भी है कि कभी इंटरेस्टिंग चीज देखनी हो तो बिल्कुल आइए, बिल्कुल देखिए रविवार को 4 से 5। आप सभी के पास शायद चिट्ठियां भी जाती हैं विजय जी के माध्यम से या विक्रम जो सिंह साहब हैं उनके माध्यम से, हम उनको मैसेज भेज देते हैं, शायद वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, सबके पास चिट्ठियां जाती है, बिल्कुल देखिए द होल गोल ऑफ व्हाट वी डू इन आईआईटी गांधीनगर, अकेली ऐसी मैं कह भी सकता हूं बहुत प्राउडली, पूरे मतलब सारे उच्च विश्वविद्यालय अगर कहें तो यूनिवर्सिटीज में कहें तो अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह का सेंटर है जिसका गोल ही ये है, सिर्फ ऐसी चीजें बचाएं, ऐसी चीजें बनाएं और ऐसी चीजें शिक्षकों के हाथों में और बच्चों के हाथों में दे कि आंखों में चमक वापस आ जाए। चलिए तो काफी सारी बढ़िया चीजें हैं हमारे पास, देखिए कितना समय मिलता है, कितना बता पाएंगे, ये बहुत ही सुंदर गतिविधि है। मैं मनीष जी सॉरी टू कट यू, आई वुड जस्ट से लास्ट एक्टिविटी प्लीज, थैंक यू। हाँ पर पहले तो शिक्षक बहुत सारा समय ले गए, सॉरी, चलिए मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, कितना 15 मिनट हो गए, हाँ जी 15 मिनट हो गए, हाँ जी, हाँ एक सेकंड, ओके, तो देन आई हैव टू रिकलेक्ट माय थॉट्स, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ठीक है जी, चलिए मैं सोचता हूँ फिर क्या करें। एक्चुअली गेम प्लान कुछ और था, चलिए मुझे लगा कि बाकी वक्ता जो आ रहे थे वो 15 के आधा घंटा ले रहे थे तो हमें भी 15 आधा घंटा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आखिरी चीज दिखाकर, ये जो मैंने आपको दिखाया था वही चीज दिखाकर खत्म करूंगा, और फिर बाकी जब जैसे जैसी भी बनेगा, ठीक है चलिए। और ये एक बड़ी सुंदर आज ही हम लोगों ने अपनी लैब में बनाई है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो बच्चों के साथ कर सकते हैं, सुंदर चीज है, छोटे बच्चों के साथ अगर हाथों से कुछ काम करा जाए तो बड़ी रुचिकर चीजें आती हैं। और ये हमने क्या करा है, ये सिर्फ एक साधारण से गोले पर नंबर लिख लिए 1 से लेकर 80 तक और उनमें बुनना चालू कर दिया है, बुनना मतलब या कोई भी यहाँ पर मार्क कर दिया 1 से लेकर 80 तक गिनती लिख दी और एक धागा लिया उसको 1 से लेकर 20 से जोड़ा, 2 को लेकर 21, 3 को लेकर ऐसे 1 से लेकर 21, 2 को लेकर 22, हर जगह एक एक बढ़ाते गए, 1 को लेकर आपने 20 से जोड़ा, 2 को लेकर 21 से जोड़ा, 3 को लेकर 22 से जोड़ा और ऐसे ऐसे एक इधर बढ़ाइए एक इधर बढ़ाइए, तो आप देखिए क्या सुंदर एक गोला बन जाए, और वो अंक आप बढ़ाते रहते हैं, 1 की जगह अगर आपने 30 से जोड़ा तो ये गोला छोटा छोटा होना चालू हो जाएगा, पूरा जोड़कर देखिए सुंदर है, ठीक है बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात थी, कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज कर सकते हैं, अब आपने क्या करा, 1 को जोड़कर 20 की जगह एक पहाड़े पढ़ने चालू कर दिए, आपने क्या पहाड़े पढ़े, 1 को 2 से जोड़ा, 2 को 4 से जोड़ा, 3 को 6 से जोड़ा और 4 को 8, इस तरह के अगर आपने पहाड़े पढ़कर जोड़ा तो ये सुंदर एक आकृति बन के आएगी जिसको कार्डवर्ड या दिल की जैसी शेप है वो कर सकते हैं, और उसकी जगह 2 की पहाड़ी की जगह अगर 3 का पहाड़ा पड़ा, ये 3 का पहाड़ा है, अगर 3 का पहाड़ा पड़ा तो इसमें बड़ी और भी इंटरेस्टिंग चीज होते है, हो जाती है, इसके 3 के पहाड़े पढ़ने में ये 2 लोब्स बन जाते हैं जैसे, और 3 का पहाड़ा पढ़ने से, और इस तरह से अगर आप आगे आगे बढ़ के पहाड़े पढ़ते रहेंगे तो बड़ी रुचिकर चीज हो जाती है। इसी पहाड़ों के ऊपर मैं ये चीज दिखाकर इसको वाइंड अप कर देता हूँ, मेरे पास आप ये बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये चित्र बना ले, ये
नंबर लिख लें, बहुत ही सुंदर चीज है, और इसके साथ ही मैं ये अपना व्याख्यान खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आपने एक नंबर कुछ कुछ लिख दिए और जमीन पर इसको बिछा दिया। और ये हमारी लड़की ने अभी बनाए थे और टेढ़े मेढ़े थोड़े कट गए हैं, उसके लिए क्षमा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब आपको करना क्या है, इसमें सभी के पहाड़े पढ़ पढ़ के इसको आगे पीछे करना है। तो एक का पहाड़ा तो छोड़ देते हैं, सबको बदलना पड़ेगा, एक के लिए तो अगर करेंगे तो सब बदल देंगे, उसको छोड़ देते हैं, दो से करना चालू कर देते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो दो को, दो का पहाड़ा पढ़े, दो आया बदल दिया, बदल दिया, इसको बदलने के लिए ऐसे पलट दिया दो, फिर चार को पलटा, फिर छह को पलटा, फिर आठ को पलटा, और फिर दस को पलटा, बारह को पलटा, चौदह को पलटा, सोलह को पलटा, और अठारह को पलटा, और बीस को पलटा। बहुत सुंदर। इसके बाद तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे तो तीन को पलटा, फिर किसको पलटेंगे, छह को, अब उल्टा हो जाएगा, छह, छह को करा, नौ को करा, और फिर क्या होगा, बारह को करा, फिर पंद्रह को करा, और पंद्रह के बाद अठारह को करा, और उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो छह का, तीन का खत्म हो गया। उसके बाद चार का करेंगे, चार, आठ और बारह और सोलह और फिर बीस। बहुत सुंदर। उसके बाद पांच कर दिया, पांच और फिर दस और फिर पंद्रह और फिर बीस, और इसी तरह आप करते रहेंगे, करते दो मिनट में कर लेते हैं। पांच का हो गया, फिर छह का करेंगे, फिर दस को करना है, दस को, पांच के बाद दस, पांच के बाद दस, नौ को उठा दिया, नौ को बंद कर दीजिए वापस, नौ को उठा दिया था, सॉरी, दस को करना है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद छह को करना है, छह, बारह और अठारह, सात और चौदह, इक्कीस तो है नहीं, कुछ नहीं कर सकते, आठ और सोलह और फिर नौ और अठारह, दस और बीस, और अब इसके बाद ग्यारह का तो कोई है ही नहीं, तो ग्यारह बंद हो जाएगा और कुछ नहीं है, बारह भी हो जाएगा, तेरह भी हो जाएगा, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। बहुत सुंदर। अब देखिए क्या हुआ, सिर्फ चार अंक बचे रह गए, एक, चार, नौ और सोलह। बस इसी के साथ मैं आपको क्योंकि समय भी हो रहा है तो इसलिए मैं बंद करूंगा, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहीं पर लेकर हम रुक सकते हैं। एक, चार, नौ और सोलह खुले रह गए, बाकी सब कुछ बंद हो गया। सवाल ये है कि क्यों ऐसा हुआ, और ये खेलिए, बीस तक हमने रखा, पच्चीस तक के लिए बच्चे बना गए, अलग तरीके की गतिविधियां कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जब आप बनाएंगे तो उसके पीछे के छुपे हुए सिद्धांत अपने आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन बच्चे छुपे हुए सिद्धांत अपने आप बाहर आएंगे, और फिर ये है, बच्चे जब खेलेंगे तो खेलेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉय, इसको फ्लेक्सागन बोलते हैं, छह त्रिकोण को जोड़कर जो बनाते हैं उससे बच्चे जब खेलते हैं तो इसमें अलग अलग पार्ट है, अपने छह के अठारह चीजें इसमें लिखकर आप अपनी चीजें जो चाहे बनाना सकते हैं। मैं दो मिनट में दिखा रहा था, शुभ, मैं टाइम नहीं लूंगा। इस तरह की स्ट्रिप्स जो हमने तैयार करी थी, इसको काट काट कर बड़े सुंदर खेल होते हैं। एक स्ट्रिप में, जिसमें एक स्ट्रिप कर दी, इसमें काटेंगे बीच से तो बिल्कुल अलग काम होता है, इसको मोबियस स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। और इतनी तरह की अलग अलग ये हथकड़ी जैसी जो स्ट्रिप लग रही है, इस तरह के चीजों को जब हम काट के काम करते हैं तो बड़ा ही सुंदर, बड़ी रुचिकर चीजें निकल कर आती हैं। तो मैं इसके साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा था त्रिकोण है, ये बच्चे जब खेलते हैं इसके साथ, खेलते खेलते इसमें आप अपने पहाड़े या जो भी चीजें लिखना चाहें, पहले तो ये बच्चे खुद बनाएं और फिर इसके साथ ये सब काम करें, और इसको करने का उद्देश्य सिर्फ यही है, आंखों की चमक। सो आशा है इस समय में जितना भी भागा दौड़ी में जो भी आपके साथ समय मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।